दरअसल ऑनर किलिंग के मामले में हत्यारे पिता को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। अपहरण में शामिल लोगों को भी किया जाएगा पेश। 5 महिलाओं समेत कुल 7 लोग हैं जिनके ऊपर किडनैपिंग के केस के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है। 1 मार्च को युवती का अपहरण किया गया, 3 मार्च की रात में युवती की हत्या की गई। और आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी पिता शंकर सैनी समेत अपहरण में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो जी मीडिया कुछ सवाल पूछता है, क्या प्यार की सजा मौत या फिर हत्या? क्या बेटियां अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकती? हॉरर किलिंग में जान लेना क्या जरूरी, या क्या जान इतनी सस्ती है? क्या युवाओं को प्यार करने का हक नहीं है? ये कुछ ऐसे सवाल जो आमतौर पर हर कोई किसी ना किसी से पूछता है। तो जिस तरह का ये मामला सामने आया है, लड़की की शादी तय कर दी गई उस दरमियान जब लड़की किसी और को प्रेम करती थी, और उसकी शादी कर दी गई किसी अन्य युवक से, लेकिन शादी के कुछ ही दिन के बाद वो अपने प्रेमी के साथ में चली गई। और चूंकि डर इस बात का था कि इसको कोई स्वीकारेगा नहीं, इस रिश्ते को स्वीकारेगा नहीं समाज, तो ऐसे में हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देशित किया कि आप दोनों को सिक्योरिटी दें, सुरक्षित जगह पर ले जाएं। तो ऐसे में पुलिस ने उनसे जब पूछा कि आप दोनों कहां जाना चाहते हैं, जिस जगह के बारे में इन्होंने जानकारी दी उस जगह पर पुलिस ने इन्हें छोड़ा, लेकिन लड़की कुछ दिन के बाद अपने प्रेमी के घर चली गई थी, वहीं से इसका अपहरण किया गया और बाद में इसको मौत के घाट उतार दिया गया।